महिंद्रा स्कॉर्पियो लेनी चाहिए कि नहीं? तो असल बात, आप रेगुलर डेली यूज के लिए यूज करना चाहते हो तो महिंद्रा स्कॉर्पियो आपको लेनी चाहिए। बट आप कहाँ पे या लॉन्ग ड्राइव के लिए आप जाते हो, नॉर्मली चलाते हो, तो आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली में ये ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है और आपको माइलेज इसमें 9 से 10 का मिलता है। आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई भी गाड़ी ले सकते हो, बट महिंद्रा की स्कॉर्पियन लोगे तो आपको माइलेज नहीं देगी गाड़ी। इसमें आपको मिलता है 45 लीटर का जो कि टैंक कैपेसिटी होती है डीजल का। आप डीजल इसमें डलाओगे 45 लीटर आपकी गाड़ी जाएगी 350 किलोमीटर बस। इतना ही ज़्यादा रेंज है नहीं इसका फुल टैंक में, और इसका पर किलोमीटर के हिसाब से 9 से 10 का माइलेज आपको दे देती है। और आपके ऊपर डिपेंड है, आप, मैं तो आपको नहीं कहना चाहता कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लो, बट आप फॉर्चुनर लवर हो तो फॉर्चुनर को बीट करना चाहते हो, उससे बड़ी गाड़ी चाहते हो, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो ले सकते हो। वैल्यू फॉर मनी आपको 25 लाख में महिंद्रा स्कॉर्पियो मिल जाती है। बट आपके ऊपर डिपेंड है आप महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर क्या क्या देखते हो। उसमें इंजन आपको 2 लीटर का मिल जाता है जो कि तगड़ा परफॉर्मेंस इंजन आपको मिलता है। लाइट भी तगड़ी रहती है, सब कुछ तगड़ा है। इसमें आपको माइलेज भी तगड़ी मिलती है, 9 से 10 का माइलेज। और इसका लुक देख के तो आप शॉक हो जाओगे कि हाँ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है। पहले वाले स्कॉर्पियो ऐसे नहीं दिखती थी, बट अभी जो नए वाले स्कॉर्पियो एन है बहुत तगड़ी दिखती है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप ये गाड़ी ले सकते हो। ये गाड़ी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं।